चलिए क्लास शुरू करते हैं हमारे दूसरे सब टॉपिक से जिसका नाम है क्लोनिंग वेक्टर्स क्लास क्लोनिंग वेक्टर्स वो एजेंट्स होते हैं जिनके अंदर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच करके उसको एम्पलीफाई करवा सकते हैं क्लास जो आप पिक्चर्स देख रहे हो ये पिक्चर्स हैं प्लाजमेट और बैक्टीरियो फॉजिस की क्लास क्लोनिंग वैक्टर्स के रूप में ज्यादातर इन दोनों को यूज किया जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा अमाउंट में रेप्लीकेट करते हैं जिस वजह से क्लास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट उस प्लाजमेट में अटैच होके पर्याप्त मात्रा में एम्पलीफाई हो जाता है क्योंकि जितनी बार ये प्लाज्मेट जो आप इस पिक्चर में देख सकते हो ये जितनी बार भी अपने होस्ट में रेप्लीकेट होगा उतनी बार ही हमारा जीओ यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट भी साथ साथ रेप्लीकेट होता जाएगा तो क्लास कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्लोनिंग वैक्टर्स में होने चाहिए जिनके बिना क्लोनिंग वैक्टर्स काम नहीं करते सबसे पहला है क्लास ऑरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन ऑरिजिन ऑफ एप्लीकेशन क्लास वो साइट होती है जहां पे डीएनए का रेप्लीकेशन शुरू होता है अगर ऑरिजिन ऑफ एप्लीकेशन किसी डीएनए स्ट्रैंड में एबसेंट है तो उस डीएनए में रेप्लीकेशन नहीं हो सकती तो सीधी सी बात है कि उस डीएनए में जिसमें ओर आई नहीं है उसमें अगर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच कर दिया गया तो वो भी रेप्लीकेट नहीं होगा तो इसलिए सबसे पहला फीचर हमारे क्लोनिंग वैक्टर में ये होना चाहिए कि उसके अंदर ऑरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन साइट प्रेजेंट हों तो क्लास अगला फीचर जो हमें क्लोनिंग वेक्टर्स में चाहिए होता है वो होता है सेलेक्टेबल मार्कर क्लास सेलेक्टेबल मार्कर यूजुअली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं इनकी हेल्प से हमें उन वेक्टर्स को एलिमिनेट करने में हेल्प मिलती है जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन अचीव नहीं की है ट्रांसफॉर्मेशन क्लास उस प्रोसेस को बोलते हैं जब एक फॉरन डी किसी होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है तो क्लास जिन होस्ट के पास सेलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट है सिर्फ वही सेल्स उस एंटीबायोटिक मीडियम में सर्वाइव करेंगे और जिनके पास सेलेक्टेबल मार्कर नहीं है वो सर्वाइव नहीं कर सकते तो क्लास अगला फीचर जो क्लोनिंग वेक्टर्स में रिक्वायर्ड होता है वो है रिकोगनीशन साइट्स का प्रेजेंट होना क्लास हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि बिना रिकग्निशन साइट्स के हम फॉरेन डीएनए को उस प्लाज्मेट में अटैच नहीं कर सकते क्योंकि रिस्ट्रिक्शन साइट्स ही स्टिकी एंड्स बनाती हैं जिनके ऊपर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट या फिर फॉरन डी आके अटैच होता है तो क्लास रिस्ट्रिक्शन साइट्स का फंक्शन समझने के लिए हम रिकॉम्बिनेंट्स की एक चेन ऑफ इवेंट्स को कंसिडर करेंगे रिकॉम्बिनेंट्स क्लास दो टाइप के होते हैं नॉन ट्रांसफॉर्म्ड और ट्रांसफॉर्म्ड क्लास एक टिपिकल प्लाजमेट में एटलीस्ट दो सिलेक्टेबल मार्कर्स रहते हैं जो होते हैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन तो क्लास नॉन ट्रांसफॉर्म्ड वो रिकॉम्बिनेंट होते हैं जिनके अंदर ये दोनों ही जीन्स एबसेंट होते हैं तो क्लास मान लीजिए कि जब हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया तो उसमें से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को हटा के उसकी जगह अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच कर दिया क्योंकि इन सिलेक्टेबल मार्कर्स के अंदर ही हमारी रिकॉग्निशन साइट्स प्रेजेंट होती हैं जिसके ऊपर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच हो सकता है अब हमारे पास क्लास दो क्राइटेरिया हैं जिनमें कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्म रिकॉम्बिनेंट्स हैं जिनके प्लाजमेट में दोनों ही जीन्स प्रेजेंट हैं एम्पीसिल रेजिस्टेंट की भी और टेट्राइक्न रेजिस्टेंट की भी क्योंकि उनके अंदर हमारा जीओ आई अटैच नहीं हुआ है दूसरे टाइप के रिकॉम्बिनेंट्स में हमारा जीओ आई अटैच हो चुका है और उसमें से टेट्रा साइकिल रेजिस्टेंट जीन हट चुका है इसलिए वो सिर्फ एम्पिसलिन मीडियम में ही ग्रो करेंगे तो क्लास अब हम एक टेबल के माध्यम से रिकॉम्बिनेंट्स की ग्रोथ को देखेंगे जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं क्लास वो एम्पीसिलन में ग्रो नहीं करेंगे ट्रांसफॉर्मेंट्स जो कि नॉन रिकॉम्बिनेंट हैं वो एम्पेसिले में ग्रो करेंगे और रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट्स भी एम्पेसिल में ग्रो कर जाएंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रो नहीं करेंगे क्योंकि इनके पास दोनों ही जीन्स नहीं हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स जो नॉन रिकॉम्बिनेंट हैं वो टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रो करेंगे क्योंकि इनके पास दोनों जीन्स हैं रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट्स टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं करेंगे क्योंकि इनके टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की जगह हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच्ड है क्लास ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये है एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेस नाम के एक बैक्टीरिया की और जो राइट में पिक्चर है ये है इसके प्लाज्मिट की क्लास इसी प्लाज्मिट की वजह से ये बैक्टीरिया प्लांट्स में डिजीजेस करता है लेकिन अब इसको हम मॉडिफाई करके क्लोनिंग वैक्टर बना चुके हैं उसका रीजन ये है कि इस प्लाज्मिट में जो टी डी एन ए रीजन है जो आप ग्रीन कलर का रीजन देख सकते हो इस वजह से ही ये बैक्टीरिया पैथोजेनिक इफेक्ट शो करता है प्लांट्स पे हमने क्या किया कि इसका ये टी डी एन ए रीजन हमने कट करके हटा दिया इसकी जगह हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच किया और फिर इस बैक्टीरिया को प्लांट्स में इन्फेक्ट करवा दिया अब ये बैक्टीरिया उन प्लांट्स पे पैथोजेनिक इफेक्ट शो नहीं करेगा उनमें डिजीजेस नहीं करेगा और उल्टा हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमें चाहिए था उसको रेप्लीकेट करवाता जाएगा क्लास ऐसा ही कुछ हमने ह्यूमन रेट्रोवास के साथ किया रेट्रोवास क्लास नॉर्मल सेल्स में ट्यूमर कॉज करते हैं लेकिन हमने इनके ट्यूमर कॉजिंग जीन्स को एलिमिनेट करके उसकी जगह अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इनकॉर्पोरेट कर दिया और फिर रेट्रोवायरसेस भी क्लोनिंग वेक्टर्स की तरह काम करने लगे